अगर एक्जिमा के लक्षणों को हम काबू में ला सकते हैं तो शायद हम एक्जिमा का इलाज कर सकें। देखिए, जब आपको एक्जिमा के लक्षण पता चल जाते हैं, एक्जिमा के कारण आपको पता चल जाते हैं, तो उससे बचाव के तरीके पर खास ध्यान देना है। अगर आप प्राथमिक तौर तरीकों से एक्जिमा से बच सकते हो तो आपको इलाज की जरूरत नहीं रहती है। तो ये जानते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे एक्जिमा से हम बच सकें। नंबर एक है संतुलित आहार। देखिए, कहीं ना कहीं तो संतुलित आहार का और त्वचा संबंधित रोगों का कनेक्शन है। अगर आपका आहार संतुलित नहीं है तो दूसरों के मुकाबले एक्जिमा होने का खतरा आप में ज्यादा हो सकता है। अपने आहार में ताजी सब्जियां, ताजे फल और अंकुरित अनाज को शामिल कीजिए। हो सके तो मीठी चीजों का और डेयरी उत्पादनों का उपयोग कम से कम कीजिए। आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर वाले जो भी पदार्थ है उसका सेवन आप बंद कर दीजिए। तो अपने आहार को संतुलित बना के आप एक्जिमा से बच सकते हैं। नंबर दो है त्वचा पर केमिकल का कम उपयोग। आपकी रूटीन लाइफ में आप केमिकल से भरे जो भी पदार्थ है उसका उपयोग ज्यादा करते हो। आप जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हो उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ केमिकल्स छुपा हुआ। यह केमिकल्स आपकी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, तो हो सके उतना एफएमसीजी प्रोडक्ट का, जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स है, उसका उपयोग कम कीजिए। नंबर तीन, त्वचा का ख्याल रखें। देखिए, अगर आपकी त्वचा रूखी है या आपकी त्वचा तैलीय है तो दोनों कंडीशन में आपको एक्जिमा होने का खतरा काफी हद तक होता है। आपकी त्वचा रूखी है तो उस हिसाब से, या आपकी त्वचा तैलीय है तो उस हिसाब से आपको अपनी त्वचा का ख्याल रखना। आपको अपनी त्वचा को हाइड्रेट रखना है, आपको अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखना है। जितना आप त्वचा का ज्यादा ख्याल रखोगे उतना ही एक्जिमा होने का खतरा आप में कम होगा। नंबर चार है कपड़ों की पसंदगी में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको खुजली की परेशानी है, अगर आपको एलर्जी की परेशानी है तो कपड़ों की पसंदगी पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। पॉलिएस्टर वस्त्र को आप मत पहनिए, उसके सामने आप ऊनी वस्त्र और खादी के वस्त्रों पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। और एक खास बात की कपड़ा कभी भी कस के मत पहने। नंबर पांच है बदलते मौसम के असर से बचे। हमने पिछले चैप्टर्स में जाना था कि जो मिश्र ऋतु होती है उसमें एक्जिमा होने का खतरा काफी होता है। तो जब भी सर्दी से अगर आप गर्मी में आते हो, गर्मी में से बारिश में आते हो, तो वो जो मिश्र ऋतु बीच में आती है उसमें आपको अपनी त्वचा का अच्छी तरह से ख्याल रखना है। सर्दी के मौसम में अपनी त्वचा को हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइज रखना है। गर्मी के मौसम में त्वचा को धूप से बचाना है, और बारिश के जो मौसम होती है उसमें आपको अपनी त्वचा को ज्यादा देर तक गीली रखने से भी बचाना होता है। तो बदलते मौसम के असर से अगर आप बच सकते हो तो आपको एक्जिमा होने का खतरा भी कम होता है। नंबर छह है दवाइयों के रिएक्शन से बचे। अगर आप कोई दवाइयां ले रहे हो और उसका आपको रिएक्शन आता है, उससे आपको एलर्जी होती है, खुजली होती है, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और हो सके तो दवाई का उपयोग भी बंद कर दीजिए। नंबर सात है तनाव से दूर रहिए। हमने पिछले चैप्टर्स में जाना था कि कहीं ना कहीं तो तनाव और एक्जिमा का संबंध है। तो अगर आप तनाव में जी रहे हैं तो तनाव में जीना बंद कीजिए। अच्छी मानसिक स्थिति आपको एक्जिमा से बचा सकती है। नंबर आठ है परागकण से बचिए। अगर आपको पता है कि परागकण से आपको एलर्जी होती है, परागकण से आपको खुजली होती है, तो पोलिनेशन सीजन में आप परागकण से बचिए, हो सके उतना बाहर जाने का टाली। तो दोस्तों, यह थे एक्जिमा से बचने के कुछ प्राथमिक तौर तरीके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे चैप्टर 6 में हम बात करेंगे एक्जिमा में परहेज कैसे करें, क्या खाए क्या ना खाए उसके बारे में। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।